मुस्लिम देश जॉर्डन क्यों कर रहा है इसराइल की मदद, क्या है जॉर्डन को ईरान से दिक्कत। इसराइल ने शुक्रवार को ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर 3 मिसाइलें गिरने की खबर आई है। इस बीच मुस्लिम देश जॉर्डन कर रहा है इसराइल की मदद। सवाल ये उठता है कि क्यों, आखिर एक मुस्लिम देश इसराइल की मदद करने में आगे क्यों आ रहा है, क्या है कारण, और इस देश यानी कि जॉर्डन को ईरान से दिक्कत क्या है। तो आज चर्चा का मुद्दा यही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जॉर्डन एक बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ की है, और इतनी कम आबादी वाले देश पिछले कुछ सालों में 36,000 से ज्यादा नौकरियां जो है वो पैदा कर चुकी है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश में मुस्लिम ब्रदरहुड इन क्षेत्रों को बंद करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का सीधा सा जवाब ये है कि क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं। उधर अमेरिका से काफी जॉर्डन को सहयोग भी मिल रहा है। हालांकि इन मजबूत व्यापारिक संबंधों के बावजूद गाजा हमले को लेकर के जॉर्डन ने इसराइल की कड़ी आलोचना की। जॉर्डन ने इसराइल पर अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मचाने का भी आरोप लगाया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भी जोर दिया और पश्चिमी देशों के नेताओं से फिलिस्तीन का समर्थन करने की भी अपील की। अब सवाल है कि जॉर्डन आखिर क्यों इसराइल की मदद कर रहा है। तो जॉर्डन की सीमा इसराइल से मिलती है। जॉर्डन असल में एक गरीब और कमजोर सेना वाला देश है, ऐसे में ईरान से सीधा युद्ध वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आधिकारिक बयान में जॉर्डन का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ईरानी ड्रोन को मार गिराया था, ना कि इसराइल की मदद करने के लिए। ईरान के इसराइल पर हमला करने से पहले ही किंग अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया था कि वो इराक, सीरिया और लेबनान की तरह ईरानियों को अपनी जमीन पर इस्तेमाल उन्हें नहीं करने देंगे। जॉर्डन ने देखा है कि इराक और सीरिया ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए वो अपनी सीमाओं के भीतर स्टेबिलिटी चाहता है। आपको बता दें कि जॉर्डन अरब लीग देशों में से एक थे, जिसमें 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव के बाद फॉर्मर पैलेस्टीन टेरिटरी पर हमला किया, जिसमें इस क्षेत्र को करीब करीब 1 अरब यहूदी और जेरूशलम शहर में विभाजित करने की योजना की सिफारिश की गई थी। इस युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूशलम पर नियंत्रण कर लिया था और 1950 में औपचारिक रूप से क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। तो बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने अपनी जो जवाबी कार्रवाई है वो कर दी है। आज सुबह यानी कि 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे ईरान पर मिसाइलें इसराइल की तरफ से दागी गई है। वहीं अब इस खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।